10:53 हमारी बस 9:30 की थी एंड इट्स टू लेट. हमने प्राइवेट बस बुक की थी सिटी ट्रैवलर्स से और उनका रिस्पॉन्स इतना खराब है. प्लेस यहाँ का कोई कैफे है और हमें यहाँ पहुँचते आज अराउंड 5 बज गए. कसोल में भी रश बहुत ज़्यादा है. तो हम कल ऑलमोस्ट 11:30 दिल्ली से निकले हुए और हम 5 बजे यहाँ पहुँचे. बहुत थके हुए थे. फाइनली एक रूम लिया, फ्रेश हुए. इतनी जल्दबाजी में मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई, बट हाँ अब अभी हम यहाँ बैठे हैं. यहाँ का एटमोसफियर बहुत सेक्सी है. अभी नदी किनारे बैठे हुए हैं, खाना ऑर्डर किया है. और ये है हमारा डे वन इन कसोल और 10:11 के करीब हम लोग उठे और फिलहाल हमें एवरग्रीन कैफे में सो भी यहाँ पे ब्रंच करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कसोल के आगे का व्लॉग. सो ब्रंच खत्म करने के बाद कसोल में ये बहुत गर्म दिन है. मतलब कल जिस टाइम हम आए हैं उस टाइम बहुत ठंडा था, बट इस टाइम बहुत धूप हो रही है. उस जाना है, मणिकरण जाना है. कल तो खीर गंगा के लिए निकलना है. सो लेट्स सी कैसा होता है अभी आगे का, देखते हैं. उतरना पड़ा और इसके आगे अभी इतना सा ये जो पैच दिख रहा है वहाँ तक पैदल जाएंगे. बस इसके बाद गाड़ी में बैठ जाएंगे.
ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तीर्थन जाते हुए भी यहाँ पे भी। मतलब कसोल से लाइक अभी की मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऑपोजिट वेदर है कसोल का। बारिश भी हो रही है एंड ऐसा वाला फील है। यहाँ पे मोस्टली एक विलेज और कुछ कैफेज हैं जिन्हें आप इंजॉय कर सकते हो, सो लाइक सी। का ट्रैक स्टार्ट हो गया है, इट्स 2:30 एंड हम बहुत लेट हैं। कहाँ हम ट्रैक सुबह 6 बजे स्टार्ट करने वाले थे, 6 तो नहीं 7 साढ़े 7, और अब 2:30 बज चुके हैं। एक्चुअली हम निकले लेट, हम 12:30 राउंड तो निकले हैं, और ये जो टाइम है मई जून का, मौसम बहुत अच्छा होता है कसोल में, बट एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि इतना रश होता है, इतना रश कि घंटों घंटों ट्रैफिक होता है। मणिकरण तक का जो रास्ता है कसोल से मणिकरण तक का, वो बहुत ज़्यादा जाम में रहता है, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचते हुए। 2:30 बज चुके हैं, हालांकि हमें कैंपिंग करनी है, हमें वापस नहीं आना सेम डे, बट स्टिल मुझे डर है कि ना ट्रैक कम्प्लीट करते करते रात हो जाएगी। ये पीछे भी थोड़ा सा जस्ट कम्प्लीट किया है, ये स्टार्टिंग है, और अभी देखते हैं पूरा ट्रैक कैसा है। ट्रैक ईजी नहीं है बाबूजी, बहुत जमा जमा के कदम रखने हैं। अच्छा हुआ नए जूते लाए जिनकी ग्रिप अच्छी है, नहीं तो एक ही बार में नीचे जाते। अभी यहाँ से जहाँ पर हम हैं वहाँ से 7 किलोमीटर आगे बता रहे हैं ट्रैक, तो इसका मतलब है कि हमने 5 किलोमीटर कर लिया है 1 घंटे में। नॉट बैड, मतलब हमें बिल्कुल लगा नहीं था कि हम कर सकते हैं, और रीज़न इज आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, या मे बी इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए शायद हमने इतना किलोमीटर इतना इजीली कर लिया। अभी आगे 7 किलोमीटर है, कैंप वगैरह लगाने हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हाथ में लेके चल रहे हैं, सो लेट्स सी कैसा होता है आगे। अभी तक का जो ट्रैक है वहाँ पे, अभी तक जहाँ पे हमें 5 किलोमीटर कंप्लीट हुए वहाँ पे अच्छे कैफेज वगैरह थे, अगर आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। अभी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का ट्रैक और बचा है, ट्रैक
ना बहुत इजी है ना बहुत मुश्किल है. मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मे बी आपको थोड़ा मुश्किल लगे. एडवेंचरस है प्रॉपर. और अभी मुझे दूर से एक लोकेशन दिखाई दी, पिंक ब्लू येलो ग्रीन कलर के छोटे छोटे टैंक्स हैं और साथ में रिवर, पार्वती रिवर. इतना प्यारा लग रहा है वो देखने में वो एरिया. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. बाकी अगर हम ठीक से चलते रहे तो हम 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे. उम्मीद तो है हम ठीक से ही चल रहे हैं. मौसम आज बहुत अच्छा है और थकान बिल्कुल नहीं हो रही है. यार बॉस देखो बैटरी हो रही है बहुत जल्दी जल्दी लो. बट बिलीव मी अभी जिस जगह पे मैं हूँ ना ये दिखाए बिना मैं रह नहीं सकती थी. मुझे नहीं पता आगे का व्लॉग कितना कर पाऊंगी बट ये वाली एक जगह दिखाती हूँ डेफिनेटली. कैफेज वगैरह हैं एंड ये है खीर गंगा की साथी. हर ट्रैक पे मुझे ऐसे कोई ना कोई मिलता है. मे बी हम मानसून के टाइम पे आए हैं इसलिए इतना ज़्यादा पानी है रास्ते में. और ये पट्टे डाले हुए हैं लकड़ी के ताकि क्रॉस किया जा सके. पेड़ पूरे में इन सबको क्रॉस कर करके जाना है. सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है. इतना एडवेंचरस ट्रैक है, इतना एडवेंचरस एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. और नदी का पानी, नदी के पानी की आवाज़, इतनी प्योर ग्रीनरी है इस टाइम पे यहाँ पे. थकान हो रही है बट फील ही नहीं हो रही है. रास्ता गुड मॉर्निंग यार, कल रात कटी है यहाँ खीर गंगा के टेंट में. एक्चुअली हमें आते आते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना कि उसके बाद ब्लॉग करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था. बहुत अंधेरा हो गया था एंड ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप थे. सबसे पहले तो खीर गंगा आते ही हमें यहाँ पे लंगर मिला, कुछ भंडारा वगैरह हो रहा था. बहुत मज़ा आया, टेंट लगाया. उसके बाद बारिश शुरू हो गई तो आग वाग जलाने का जो प्लान था वो तो सब कैंसिल हो गया. उसके बाद जो रियल एडवेंचर शुरू हुआ है खीर गंगा का, बारिश तेज़ टेंट में पानी घुसना शुरू हो गया. उसके बाद तीन कुत्ते एक साथ टेंट पे अटैक कर रहे थे एंड हमें पता, और जो कुत्तों का साउंड था ना भौंकने का, हमें पता ही नहीं चल रहा था सच में कुत्ते हैं, पैंथर है, भेड़िए है क्या. तो फट के जो चार हो रखी थी ना हमारी कल रात को, 2 बजे तक यही सब चला है लिटरली, जब तक बारिश बंद नहीं हुई है. एंड वो डर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. मतलब उसी में ऐसा लग रहा था क्यों खीर गंगा, क्यों आए हम. दिमाग खराब था. अच्छा भला होटल छोड़ के तो चले जाते यार, कितनी प्यारी जगह थी खीर गंगा, क्यों आए 12 किलोमीटर चल के. एंड 2 बजे के बाद फिर बारिश बंद हुई, गीली लकड़ियां उन्हीं में आग लगाई गई बहुत मुश्किल से सुखा सुखा के. हमारे टेंट के साथ एक और टेंट था, वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के आए हुए हैं, उन लोगों ने आग जलाई. फिर बनी मैगी, फिर बना अंडा रात को 2 बजे, वो सब खाया पिया. तारे इतने अच्छे आ चुके थे उस टाइम आसमान में, बिल्कुल मौसम खुल चुका था. उसके बाद हम जो सोए हैं
अब उठे हैं, मतलब अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:30 अराउंड, तो अब उठे हैं। अब ये टेंट वगैरह फोल्ड करने हैं, फिर 12 किलोमीटर का ट्रैक करना है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, बट रात में फट के चार थी, सबके टेंट्स में पानी घुस चुका था। वो जो साथ वाले लड़के थे उन्होंने हमारे टेंट में, फिर वो लोग आए, चार लोग 2 लोगों वाले टेंट में, एंड